Hi guys, welcome or welcome back to my channel. आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला लुक शेयर करूंगी जो कि आप बिगिनर्स हो, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो या फिर टीनेजर्स हो, आराम से इस लुक को क्रिएट कर पाओगे। बहुत ही इजी है, एकदम सिंपल तरीका है। सिर्फ दो कलर के साथ आप ये लुक क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा इजी और सिंपल है। 10 मिनट में आप ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले मैंने ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल लिया है एंड सिंपली अपने आईब्रो को शेप दे देना है अच्छे से। स्पूली के साथ ब्लेंड जरूर करना। इस कंसीलर के लिए मैंने हिलारी रोडा का कंसीलर यूज किया है। आप कोई भी अपना फेवरेट कंसीलर यूज कर सकते हो शार्प करने के लिए अपने आईब्रो को। इसके बाद सेम कंसीलर अपने आईलिड पे भी अप्लाई कर रही हूँ बेस के लिए। सबसे पहले लेंगे रेड कलर एंड ये फ्लैट फ्लॉपी ब्रश। फ्लैट फ्लॉपी ब्रश के साइड से आपको कलर लेना है एंड आउटर कॉर्नर में पहले टैप टैप करके अप्लाई करना है, फिर ड्रैग करना है कलर को, इस तरीके से ब्लेंड करना है। क्रीज के ऊपर तक मैं लेके गई हूँ कलर को, क्योंकि हम क्रीज पे कोई एक्स्ट्रा कलर अप्लाई नहीं करेंगे। ये फ्लैट ब्रश में मैंने ये वाला शिमरी कलर लिया है, ऑरेंज शिमरी कलर था एंड इन दोनों कलर को एक साथ मिक्स कर देंगे। जो हमने हाफ बचा हुआ था ना इनर कॉर्नर से लेके आई बॉल तक, वहां मैं ये कलर को अप्लाई करूंगी। फिर से रेड कलर लेना है एंड दोनों कलर को अच्छे से ब्लेंड करना है। आउटर कॉर्नर को डार्क रखेंगे और हल्का सा रेड कलर इस तरीके से विंग सा निकालेंगे इसको ब्लेंड करते हुए। ज्यादा कलर अप्लाई नहीं करना है, आउटर कॉर्नर सिर्फ आपको डार्क रखना है। इस तरीके से ब्लेंड होने के बाद आपको ध्यान रखना है कि शिमरी कलर और रेड कलर के बीच में कोई भी लाइन ना हो। ये लैशेस मैंने अप्लाई कर दिया। इसके बाद हाइलाइटर के लिए मैंने शुगर का हाइलाइटर यूज किया है, 01 शैम्पियन। बहुत ही सुंदर कलर है। इनर कॉर्नर एंड ब्रोबोन को मैंने इसी से हाईलाइट कर लिया है। इसके बाद मैं बेस की तरफ जाऊंगी। सबसे पहले शुगर का ये इल्यूमिनेटिंग सनस्क्रीन मैंने यूज किया है एंड बहुत ही सुंदर सा ग्लो देता है। ये गोल्डन वाला था, बहुत ही प्यारा शीन देता है। इसके बाद फाउंडेशन के लिए लैक्मी का ये फाउंडेशन मैंने यूज किया है, 02 शेड है इसमें मेरा, येलो टोन का है एंड कवरेज मीडियम है, ज्यादा कवरेज नहीं देता। स्पंज मैंने मार्स का यूज किया है, एकदम सॉफ्ट स्पंज है, जरूर आप ट्राई कर सकते हो एंड टैप टैप करके आपको ब्लेंड कर देना है अच्छे से फाउंडेशन को पहले। इसके बाद कंसीलर, ये हिलारी रोडा का कंसीलर है जो मैंने आईलिड पे भी अप्लाई किया था, सेम कंसीलर एंड इसको मैं हाईलाइट करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ फेस पे। अच्छे से मैं ब्लेंड कर दूंगी एंगल ब्रश के हेल्प से। ब्रश मैंने इसलिए यूज किया है ताकि कवरेज जो है वो थोड़ा सा ज्यादा मिले, इसलिए ब्रश का यूज किया है। आप चाहो तो बाद में फिर से स्पंज के साथ टैप टैप करके ब्लेंड कर सकते हो। इसके बाद लिया है बायोटिक का फेस पाउडर, बहुत ही अच्छा पाउडर है, येलो टोन का है एंड इसमें मेरा शेड आई थिंक 02 है। इससे अच्छे से मैं अपने पूरे फेस को सेट कर लूंगी सबसे पहले एंड मैंने कॉन्टोर के लिए आज लिया है ब्लू हेवन का ये डायमंड ब्लश ऑन, इसमें मेरा शेड आई थिंक 505 है एंड एंगल ब्रश के हेल्प से मैं अप्लाई कर रही हूँ कॉन्टोर को। बेसिकली ब्रॉन्जिंग शेप में मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। इस तरीके से जॉ लाइन पे भी अप्लाई करेंगे एंड फोरहेड पे भी, थोड़ा सा नोज पे भी। नोज पे मैं छोटे ब्रश का यूज कर रही हूँ, इससे और भी ज्यादा शार्प लगता है और ज्यादा ब्लेंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये है ब्लश, शुगर का 02 शेड है इसमें मेरा, बहुत ही सुंदर शेड है। ब्लश आप हमेशा ऊपर की तरफ अप्लाई करो, इससे शार्प दिखेगा आपका फेस। और ब्रॉन्जर के साथ मिक्स करते हुए अप्लाई करना है, कॉन्टोर या फिर ब्रॉन्जर जो भी आप अप्लाई करो। ये है हाईलाइटर सेम शुगर का जो मैंने इनर कॉर्नर एंड ब्रोबोन पे हाईलाइट किया था एंड इसके बाद लूंगी शुगर का काजल और इसको मैं वाटरलाइन के नीचे पहले अप्लाई कर रही हूँ। छोटे से पेंसिल ब्रश में रेड कलर लेके मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल को सेट करते हुए। इसको इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है। इसके बाद वाटरलाइन पे मैं काजल अप्लाई करूंगी, क्योंकि वाटरलाइन के नीचे जो काजल अप्लाई किया था वो अच्छे से सेट हो चुका है। ये वाला लाइट ऑरेंज कलर मैं यूज कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ फ्लैट फ्लॉपी ब्रश के हेल्प से। अच्छे से ब्लेंड करना है कलर को। इसके बाद लिपस्टिक के लिए मैंने ब्लू हेवन का 11 शेड लिपस्टिक अप्लाई किया है, बहुत ही प्यारा न्यूड शेड है, आई लव दिस शेड। यह है ग्लैम 21 का लिप लाइनर, इससे हल्का सा शेप दे दिया मैंने लिप्स को। दिस इज माय फाइनल मेकअप लुक, डेफिनेटली पसंद आया होगा।
चाहे आप बिगिनर्स हो, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो, आप ये लुक बहुत ही आसानी से घर बैठे क्रिएट कर सकते हो। एकदम इजी सा लुक है, ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है मेकअप में। सिर्फ दो कलर के साथ बहुत ही आसानी से ये लुक आप क्रिएट कर सकते हो। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आई होप आप लोग इस लुक को ट्राई करो एंड आप लोग जरूर इस लुक को क्रिएट कर लोगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को।